तो गाइस ये है भारत की सबसे सस्ती मार्केट, जहां आपको 10 रुपए में मिल जाता है ब्रेकफास्ट और साथ ही साथ 30 रुपए में मिल जाती है आपको बिरयानी। भारत की सबसे सस्ती मार्केट, गैस करो कौन सी मार्केट हो सकती है ये। भारत की सबसे सस्ती मार्केट जहां पर आप भूखे आते हो बट यहां से भूखे जाते नहीं हो, और ये है जाकिर नगर की मार्केट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जाकिर नगर ओखला, और मैं वहां आज लेकर आया हूं आपको जाकिर नगर की एक ऐसी मार्केट दिखाने के लिए जहां आपको बहुत सस्ता सस्ता खाना मिलता है और वैरायटी के साथ और टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है बैंगनों। तो चलो चलते हैं जाकिर नगर की मार्केट। तो गाइस यहाँ से शुरू होती है जाकिर नगर की मार्केट। सपोज कीजिए आप इस मार्केट में सुबह आए और आपको यहाँ ब्रेकफास्ट करना है और आपकी जेब में मात्र 20 रुपये हैं, तो डोंट वरी आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हो। आप ये देखेंगे, ये है आलम पराठा, जहाँ आपको 10 रुपये में आलू का पराठा मिल जाता है। कांट बिलीव, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मात्र 10 रुपये में आपका आलू का पराठा, वो भी वैरायटी के साथ। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है और जस्ट उसके बाद यहाँ पर है ताली पूरी, जो इनकी फेमस पूरी है, जो कि मात्र 20 रुपये में पूरी मिलती है। और इनकी जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना, वो बहुत बैंगन होता है। तो ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। अगर मैं शाम की बात करूँ तो शाम में आप यहाँ स्नैक्स ले सकते हैं, जहाँ पर समोसे होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है। वाह, तो यहाँ पर सस्ती है शाम को मार्केट, देखिए कितनी सारी क्वालिटी है, और मात्र 20 रुपये में आप बहुत अच्छा स्नैक कर सकते हैं। तो गाइस जिस समय मैं घूम रहा हूँ जाकिर नगर मार्केट में, और अगर आपके पास मान लीजिए 50 रुपये हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस मार्केट में आप जो है डिनर कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं लंच की बात करूँ तो यहाँ पर आप कई वैरायटी में आपको जो है बिरयानी मिल जाएगी, और जिसका रेट जो है 100 रुपये से लेकर के 180, 220, 240 रुपये तक का होता है। बट एवरेज अगर रेट की बात करूँ तो 120 रुपये में आपको बहुत अच्छी बिरयानी मिल जाती है, और अगर मैं डिनर की बात करूँ तो सेम कॉपी पेस्ट मिल जाता है। तो इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि शाम को 7:30 बजे आप देखेंगे इस मार्केट में जाम लग जाता है। और सबसे जो खास चीज़ देखी कि एक एक दुकान का जो किराया है वो लगभग 80-80 हज़ार है, लेकिन उसके बाद आपको इतना सस्ता खाना मिलता है, ये सोचने बड़ी बात क्या है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस ये जो मार्केट है आपको पूरी खाने की मार्केट मिलेगी, यानी खाने का बहुत बड़ा हब है। यानी पुरानी दिल्ली के बाद सबसे बड़ी कोई मार्केट है खाने की और सस्ती, तो वो जाकिर नगर है। और उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ के फूडिंग टेस्ट की, वो तो और बहुत बैंगन, बड़ी बड़ी दूर से लोग इस मार्केट को कवर करने के लिए आते हैं। अगर मैं स्वीट की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत फेमस शॉप हैं, चाहे मैं आपको कबाब की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत फेमस कबाब हैं, और अगर चाय की बात करूँ तो ईरानी चाय है। तो ये मार्केट का जो है दिन का लुक है। अब मैं आपको मार्केट में जो मिलने वाला हूँ वो शाम को 7:30 बजे मिलने वाला हूँ। तो दोस्तों इस समय मार्केट में बच चुके हैं 7:30, और मुझे हल्की हल्की भूख लग रही है। और जब हम भूख की बात करते हैं तो पहलवान लस्से का हमने काफ़ी नाम सुना है, बताते हैं कि मिठाई को इग्नोर करना इतना आसान है नहीं। देखते हैं फेमस क्या है इनका, वो देखते हैं कैसे तरह का टेस्ट है। तो स्वीट्स के मामले में बहुत सारी शॉप हैं, मौसम है कि शॉप है, दूध की डेयरी है, जहाँ अच्छा दूध मिलता है वहाँ से आप ले सकते हो। बट अगर ये पहलवान लस्सी की बात करें तो यार इतनी आसानी से नंबर आता नहीं है। अभी भी आप देखोगे कितनी सारी भीड़ लग रही है। साहिल भाई, और साहिल भाई कुछ मिल जाएगा क्या हमें, क्या लेंगे सर, क्या है फेमस यहाँ का? गाजर का हलवा, थोड़ा सा तो गाजर का हलवा है। हालांकि डिश बहुत सारी है इनके पास। ये क्या होता है? ये शाही टुकड़ा है सर। शाही टुकड़ा, ये कैसे दिया है, किस रेट दिया? 40 रुपये की प्लेट है, 100 ग्राम। ये आप मुझे दे दीजिए थोड़ा थोड़ा देना थोड़ा। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि जब आप जाकिर नगर आते हो तो वन ऑफ फेमस, मैंने कहा था कि पहलवान को इग्नोर करना इतना आसान है नहीं। अब देखिए, मैंने गाजर का हलवा मांगा तो इन्होंने इसमें जो है मुझे पिस्ता और बादाम दिया। शायद यही इनकी खासियत है कि जो इनको औरों से अलग करती है। टेस्ट देखते हैं किस तरह का है। ग्रूमिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, अब टेस्ट देखते हैं।
कि टेस्ट सही है, सेटिस्फाई कर पाते नहीं कर पाते हैं। दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह इनका मीठा कंट्रोल है ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या होता है, गाजर के हलवे में ज़्यादातर यही होता है, कई बार जो होता है आपका जो स्वीट होता है, जो शुगर होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बट इनके अगर मैं मीठे की बात करूँ तो अच्छा लगा। साथ ही साथ जो ग्रूमिंग है इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर मैं और डिश दिखाना चाहूँ तो देख सकते हो, बहुत सारी डिश है यहाँ। स्पेशली एक डिश और देखनी है भाई, ये कौन सा क्या है, मूंग की दाल का हलवा। ये कैसा दिया है, 40 का प्लेट। तो ये मूंग की दाल का हलवा है इनका, बट स्पेशल आपका ये गाजर का हलवा ना। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जिस तरीके से इनका शुगर कंट्रोल में ना, ये बहुत बड़ी बात है आज के लिए। तो अगर आप जाके नगर आएँ तो पहलवान जी लस्सी कॉर्नर के नाम से शॉप है इनकी, ये भी बहुत पुरानी शॉप है, 1994 लिखा हुआ भी है। तो आप यहाँ कर एक बार टेस्ट जरूर लें मिठाई का। One eternity later. तो गाइस रात के 8 बज चुके हैं और अब होगा है डिनर का टाइम। और जब हम डिनर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पुरानी शॉप ताली कबाब, जिसको इग्नोर करना इतना आसान है नहीं। बताते हैं कि 1990 के आसपास की शॉप है और उनके कबाब जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखते हैं ऐसा कबाबों में क्या है। और भाई कबाब खा रहे हो आप जी? खा सकता हूँ सबसे पहले लगे एक ऐसा जो होता है ना हलवा फील होता है आपको, आप रखते हो और घुल जाता है। तो आई केम टू नो बाई संबंध, मुझे पता चला इनके बारे में और बहुत ही अच्छा लगा। और स्पेशली टिक्के इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कबाब तो होते होते हैं। सबसे फेमस जाकिर नगर में अगर मैं टॉप 4 से लेकर 5 दुकानदारों की होटल की बात करूं तो वन ऑफ देम उनमें से ये आते हैं। और इसी के बाद हम ईरानी चाय पियेंगे, वो भी बनता ही है, बट कबाब मुझे अच्छा लगा। आपको सारे कबाब खा लिया यार मैंने भाई साहब, सारे आपके हैं। कैसे लग रहा है टेस्ट आपको? बढ़िया है, मेरे तो रोज़ के हैं। रोज़ खाते हो? बहुत अच्छे लगते हैं। टिक्के की बात करूं तो टेस्ट इसका भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है नंबर लगाना पड़ता है, नंबर आसानी से आता नहीं है। और बहुत फेमस और अच्छा टेस्ट और सस्ते। बहुत अच्छा लगा, अगर जाकिर नगर आए आप तो ताले कबाब ज़रूर एक बार खाएं, बहुत फेमस है। अच्छा हम अपने खा लिए कबाब, डिनर हो गया है, अब हमें लग रही है क्या, भूख तो नहीं लग रही, हमें लग रही है उड़क किस चीज़ की, चाय की। और चाय कौन सी पीता हूँ, यह है ईरानी कप चाय, ईरानी चाय है। चलिए मैं पिलाता हूँ, हमारे दोस्त की है। हाँ तो ईरानी जो चाय है भैया, एक्चुअली हमारे दोस्त लगाते हैं, इनका नाम है शाहबाज़ अख्तर, बहुत इंसान भी अच्छे हैं, उनके चाय तो अच्छी होगी होगी और टेस्ट बहुत अच्छा है चाय का। और पीते हैं चाय जी। भजन चाय मिल जाएगी क्या? तो ये हमारे जो हैं शाहबाज़ अख्तर भाई हैं, जो ईरानी चाय बेचते हैं, बहुत ही शानदार टेस्ट है और जिनकी नियत जैसा टेस्ट है। तो अभी हम चाय पीते हैं, उसके बाद बताते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये है हमारी रात की लास्ट मील और उसी के बाद हमारा जो है सोने का टाइम हो जाएगा। तो सोने से पहले ही मैं ये ईरानी चाय अक्सर लेता हूँ और इस समय जारी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। इस ईरानी चाय की खासियत क्या है, शायद मैं आपको फील करा सकता था, बट इसके लिए आपको खासियत क्या है, आपको आना पड़ेगा जाकिर नगर, आप यहाँ चाय पी सकते हैं। इसका शॉप का नाम है ईरानी दम चाय, बहुत ही शानदार है। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो जो चाय की पत्ती है वो अलग बॉयल होती है, जो दूध है वो अलग बॉयल होता है, फिर उन दोनों के मिक्स करने के बाद आपको जो है चाय दी जाती है, बहुत ही शानदार टेस्ट है। अगर प्राइस की बात करूँ तो 12 रुपये है और मेरे हिसाब से दिल्ली में और स्पेशली जाकिर नगर मार्केट के हिसाब से बहुत रीजनेबल प्राइस है, 12 रुपये में ईरानी चाय। वो भी मैं ये चाय आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा, अगर आप आएँ तो चाय को ज़रूर पिएं,
जो पहलवान लस्सी है नीचे जस्ट उन्हीं के ऊपर है। पहले साइबर कैफे हुआ करता था, अब इन्होंने इसको चाय में जो है कन्वर्ट कर लिया है, तो पी सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर और जो लोकेशन है मैं नीचे डाल दूंगा, बहुत शानदार चाय है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सफ़र था सुबह से लेकर शाम तक का बहुत अच्छा रहा। अगर मैं ओवरऑल जाके नगर मार्केट की बात करूँ तो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवलिंग की है इंडिया में ये सबसे सस्ती मार्केट लगती है। किराया भले से यहाँ का महंगा है बट अगर आप यहाँ आते हो तो भूखा नहीं मरते हो बिल्कुल भी। आप 20 रुपये में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, 30 रुपये में लंच कर सकते हो और इतने रुपये में आप डिनर कर सकते हो और टेस्टी। और मैंने यहाँ के लोगों के अंदर एक चीज़ देखी है कि ये काफ़ी ओवरवेलमिंग है। जब आप आते हो ये आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। स्पेशली अगर जो नॉन वेज आप खाते हो तो ये आपके लिए सबसे अच्छी मार्केट होने वाली है और वन ऑफ माई फेवरेट मार्केट। क्योंकि पुरानी दिल्ली के बाद अगर कोई सबसे अच्छी मार्केट मुझे लगी तो वो जाकिर नगर लगी। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को अरबाज ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और इस ब्लॉग को जो है इस चैनल को आप अपनी फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में, रिश्तेदारों व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह आप शेयर कर सकते हो। मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।